हम बात करने वाले पेरू पे एक अप्लीकेशन के बारे में। पेरू पे एक अप्लीकेशन पे मैं जो लोन है उसको लाइव प्रूफ ही आपको अप्लाई करके यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो पे और पेरू पे एक अप्लीकेशन है यहाँ पे पर्सनल लोन हमारे को प्रोवाइड करती है नहीं करती। मैं सबसे पहले प्ले इस पे आ गया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेरू पे एक इंस्टेंट पर्सनल लोन। आप इसकी रेटिंग देख सकते हैं 4.4 की इसकी रेटिंग है, जो इसके डाउनलोड है वो 10 लाख प्लस इसके यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। उसके लिए मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अपडेट करने के लिए बोल रहा है, मैं इसको यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो पैन कार्ड आपको दिख रहा होगा, आधार कार्ड मेरे यहाँ पे सबमिट हो चुका है। उसके बाद मेरे यहाँ पे जो स्टेट पूछ रहा है, पिन कोड पूछ रहा है, हाउस नंबर, मैरिड, मतलब सब कुछ आप मैंने यहाँ सबमिट करते हो जी मेल आई डी करके। मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद मैं 1 से 2 मिनट इसको फिर से वेट करने के बाद फिर से यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेपिंग यूअर अवेलेबल लोन अमाउंट। अभी जो मेरा जितना भी मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला है वो यहाँ पे फैच कर रहा है। फैच करने के बाद 1 से 2 मिनट बाद ही मुझे यहाँ पे जो लिमिट है वो यहाँ पे दिखा दी जाएगी कि जो पेरूपिक एप्लीकेशन है ये वर्किंग एप्लीकेशन है या नहीं है। क्योंकि कुछ यूजर का पहले भी मेरे पे फोन आया था कि जो पेरूपिक एप्लीकेशन है वो कैसी एप्लीकेशन है, क्या ये एप्लीकेशन वर्किंग है या नहीं है। अभी आपके सामने ही मैं इसकी लिमिट को यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो मुझे यहाँ पे लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी जो मेरा अकाउंट है यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद ही यहाँ पे जो मुझे पता चलेगा कि जो पेरू पे एक अप्लीकेशन है यहाँ पे कितना लोन प्रोवाइड करती है, कितने दिन के यहाँ पे जो लोन है वो भी हमारे को मिलता है। क्या हमारे को यहाँ पे लोन 14 दिन का मिलता है या ईएमआई के ऊपर हमारे को लोन प्रोवाइड करती है, क्योंकि कंपनी दावा करती है कि हम आपको 91 डेज का यहाँ पे जो लोन है अप्रूवल करवाते हैं। बाकी मैंने आपके सामने इसको अप्लाई किया, अप्लाई करते अब देखते हैं कि जो कंपनी हमारे को यहाँ पे कितने का यहाँ पे लोन अभी यहाँ पे खोल के बताएगी कि मतलब कि हम आपको यहाँ पे कितने का लोन प्रोवाइड करते हैं। 1 से 2 मिनट अभी फिर से हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोन निकल के आया, यहाँ पे लोन निकल के आया पूरा 2000 रुपए का यहाँ पे जो मेरे को यहाँ पे लोन निकल के आया, और कितने दिन के बाद आया वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो लोन का टेनवर दिखा रहा है वो 14 दिन का यहाँ पे टेनवर दिखा रहा है। मैं 14 दिन वाले सबमिट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे बैक करता हूँ। तो बैक करने के बाद मैं यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है लोन अमाउंट 2000 रुपए का, 14 दिन का हमारे को टाइम मिलेगा, रिसीव होंगे 1575 रुपए, और जो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कटी है वो कटी है 120 रुपए, डॉक्यूमेंट फीस कटी है हमारे के 120 रुपए, टेक्नोलॉजी फीस 120 रुपए, जीएसटी 65 रुपए। अब आप देख सकते हैं पे इंटरेस्ट लगा है, जो हमें रिपेमेंट करनी है वो 2023 रुपए रिपेमेंट करनी है। ये एप्लीकेशन अभी फिलहाल वर्किंग में है। अगर आपको यहाँ पे लोन की जरूरत है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ जो यहाँ पे आपको लोन मिलेगा पूरे 15 दिन का ही लोन मिलेगा।